गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, आपका यूके भाई भी स्वस्थ है मस्त है। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, आज का स्पेशल डे है और अभी बज चुके हैं सुबह के 8 और आपका भाई बिल्कुल नहा धो के रेडी है और पूजा भी कर ली है। तो गाइस, इस स्पेशल डे की शुरुआत करेंगे मानिल देव के मंदिर से, जो कि यहाँ से करीबन 40-45 किलोमीटर दूर है। तो सबसे पहले वहाँ जाएंगे, उसके बाद फिर बीच में एक मार्केट और है, वहाँ पे भी लगता है मेला, वहाँ भी शूट करेंगे। और फिर फाइनली अपने जो गांव के बगल पड़ोसी गांव है निंगराली, जो जहाँ की बहुत ही भव्य लगता है, उसको आपको दिखाएंगे। तो गाइज, आज का ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो गाइज बने रहिए आज के इस ब्लॉग में। अब मैं निकलता हूँ फटाफट सीधा गाड़ी पे। गाइज, मैं आ चुका हूँ अभी मोहरुआ पे। गाइज, मोहरुआ मतलब यहाँ पे शिवालय शिव जी का मंदिर है, यहाँ से आधा किलोमीटर नीचे, और इसके ठीक थोड़ा सा बांसों की जड़ के जो है, बांस जो है इनकी जड़ के नीचे एक बहुत ठंडा सा पानी आता है। तो अब मोरुआ, अब इसका नाम क्यों पड़ा वो जानना पड़ेगा पुराने जो लोग हैं उनसे। बाकी है बहुत अच्छा, यहाँ पे बहुत ठंडा लगता है आके। गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि बहुत ही हरा भरा और ठंड रहती है यहाँ पे काफ़ी। और इससे ही ठीक नीचे, यहाँ से नीचे ही है शिवालय, जो कि शिव जी का मंदिर है। तो गाइज़, वहाँ पर भी एक दिन चल के ब्लॉग शूट करेंगे। और अभी मुझे जाना है सामने इस वाली रोड पे, तो निकलते हैं गाइस, बने रहिए ब्लॉक में। सो गाइस, हम कुछ देर में पहुंचने वाले हैं मनिया देवी के मंदिर में, और देख सकते हैं आप गाड़ियां काफी दूर दूर पार्क करी गई हैं। हम कहाँ पार्क करते हैं, जगह मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं। और गाइस, बस सामने आ गया है, ये देखिए गाइस, भीड़ देख सकते हैं आप। गाइस, बहुत ही प्रचलित मंदिर है ये देवी माँ का, मानिला देवी के नाम से जाना जाता है ये, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। तो गाइस, क्राउड चेक करिए, और अभी 11 बज रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा क्राउड और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। गाइस, बहुत दूर दूर से दिल्ली हरियाणा पंजाब की गाड़ी आ रखे हैं यहाँ पे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा मान्यता है इस देवी माँ की। और ये है मेन एंट्रेंस, ये देखिए, और यहाँ से अंदर जाना है। तो गाइस, सीधा चलते हैं अंदर। और गाइस, अब मैं अंदर की ओर बढ़ रहा हूँ। गाइस, यहाँ पे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं, और कुछ देर में यहाँ पे शायद इस मंच पे सभी लोग पहुँचेंगे। माँ मानिला देवी महोत्सव। अब जो मेन गेट है वो आपके सामने है, ये देखिए गाइस, ये मेन गेट है। शायद मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही हो, मगर ये मेन गेट है मंदिर का, जहां से मंदिर अब स्टार्ट हो चुका है। जय मां मानिला देवी। और गाइस, ये देखिए, बढ़ रहा हूँ अंदर की ओर। और गाइस, आपको बता दूँ, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर आ रखे हैं यहाँ पे, मतलब आज के माता के इस पर्व को कैप्चर करने के लिए बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर दूर दूर से आ रखे हैं। और देख सकते हैं गाइस, फाइनली माता का मंदिर सामने है, और अब चल के दिखाते हैं आपको। और अभी क्या है कि गाइस 11 बज रहे हैं, तो इतनी खास भीड़ है नहीं, तो भीड़ धीरे धीरे 2-3 बजे तक
मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी गाइज, काफ़ी देर तक यहाँ पे नंबर लगता है, लाइन लग जाती है दर्शन करने के लिए। तो अभी पहले दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं, बने रहिए गाइज ब्लॉक में। और गाइज ये सब, ये जो है सब प्राचीन काल के मंदिर हैं, आपको मैं दिखाता हूँ इनकी जो नक्काशियाँ हैं। ये देखिए गाइस, ये जो ये पत्थर का है और ये इस पे जो ये नक्काशी हुई है, ये भी मतलब बहुत अद्भुत है। और पहले मतलब इस टाइप के मंदिर थे, अभी कुछ ही रह गए हैं, क्योंकि अब जैसा मॉडर्न ज़माना है तो थोड़ा टेक्निक चेंज कर दी गई है, मगर अभी भी कुछ मंदिर और आपको दिखेंगे पुराने। और गाइस ये नीचे ना बहुत गर्म हो रहा है, टाइल्स पैर जल रहे हैं, मगर माता के लिए, माता के दर्शन करने के लिए हम इन टाइल्स क्या आग के ओलों के ऊपर भी चल पड़ेंगे। और गाइस भोलेनाथ जी का ये देखिए आप, यहाँ पे शिवलिंग है। ये देखिए माँ के दर्शन कराता हूँ, ये देखिए बोलो मानिला माता की जय। सो गाइस ये है हमारी माँ देवी माता, अंदर वीडियो और फोटो खींचना मना है, तो मैं बाहर से ही कोशिश करूँगा। चिराग देखो जय कर रहा है। ये देखिए गाइस मेरा बेटा माँ के चरणों में प्रणाम कर रहा है। तो गाइस बाहर से ही कुछ दर्शन आपको करा देते हैं। ये देखिए बहुत मान्यता है गाइस, हमारे हीरो को देखिए आइसक्रीम खा रहे हैं, नाक मुंह सब भर दिया। हेलो गाइस बोलो, नहीं उसी से खाओ ना, चिन्नू देखो कितने अच्छे से खा रही है, ऐसे खाते बेटा। हम आ चुके हैं घर पे, ये देखिए ये हमारे गांव का गेट है। और अब जो जिस गांव में मुझे जाना है वो है आदर्श ग्राम सभा निगराली, जहाँ पे आज का कौती यानी कि आज का मेला है। तो बढ़ते हैं उस गांव के लिए और गाइस दिखाते हैं आपको आज का भी अपना ट्रेडिशनल कल्चर अपना। और इस जगह को अधुली पाट बोला जाता है, जब हम स्कूल पढ़ते थे यानी कि छठी से लेके बारहवीं तक, पाँचवीं का नहीं बताऊंगा क्योंकि वो उतना खास नहीं, छठी से बारहवीं तक का, तो यहाँ पे ये जो पेड़ है ना, यहाँ पे एक बेड़ू का बहुत मतलब खाने वाली चीज़ होती है बेड़ू, उसका एक पेड़ हुआ करता था। तो जितने भी स्टूडेंट होते थे ना यहाँ से स्टार्ट हो जाते थे बैठना, वो नीचे तक सारे स्टूडेंट ही बैठते थे, लड़के लड़कियाँ आपस में गप्पा सप्पा मारते थे जब स्कूल से आते थे, और जाते वक्त भी, जाते वक्त मतलब एक दूसरे के साथ मतलब जाना अच्छा लगता था। तो अगर कोई किसी का दोस्त पहले आ गया तो वो अपने दूसरे दोस्त के लिए रुक जाता था, क्योंकि यहाँ से दो तीन गांव और भी हैं जिनको जहाँ से बच्चे आते थे, तो एक दूसरे के लिए रुक जाते थे। तो गाइस मतलब बहुत सारी यादें जुड़ी हैं और अच्छा लगता है जब कभी मौका मिलता है इस तरीके का कुछ शूट करने का, तो वो सारी बातें याद आती हैं। और अब आपको लेके चलते हैं सीधा मेले में यानी कि अपने कौतिक में, मगर मैं पहले गांव से जाऊंगा, क्योंकि अभी गांव से ही जो हमारे गांव के जो प्रधान होते हैं, प्रधान ग्राम ग्राम प्रधान नहीं, जो प्रधान होते हैं, प्रधान गांव के एक तरफ से जो प्रधान होते हैं मुखिया टाइप के,
तो उनके घर से ये उठता है, तो वहाँ से ही इसकी शुरुआत होती है। तो देखते हैं कि अब वहाँ से निकल गया है वो टॉली या फिर अभी भी वहीं पे है। तो अगर होगी तो आपको शूट करके ज़रूर दिखाऊंगा, वरना सीधा मिलूंगा मैं आपको जहाँ पे मेला हो रहा है। अभी आवाज़ तो आ गई है, जो हमारे नगर निशान जिसको बोलते हैं, जो मैंने ढोल टाइप का आपको दिखाया था कल, आवाज़ तो आ रही है। चलते हैं, ये ग्राम सभा निगराली प्रारंभ हो गई है। और गाइस मैं बता दूं, इस मेले की कई सारी खासियत जो बचपन में हमने करी हैं, एक तो एक जलेबी को बांध दिया जाता था एक धागे पे और ऊपर लटका दिया जाता था, और हमारे हाथ पीछे बांध दिए जाते थे, और मतलब काफ़ी सारे बच्चे को बोला जाता था दौड़ने के लिए, दौड़ो और जो जितना खा सकता है। तो गाइस अब वो जलेबी हिलती थी, है ना, तो मतलब एक बार में एक ही बाइट आएगी ना, वो भी अच्छे से नहीं आती थी क्योंकि वो हिलती थी। तो मतलब बहुत ही फनी मोमेंट रहता था। और दूसरा कैरम बोर्ड प्रतियोगिता रहती थी, मतलब जो कैरम बोर्ड में अच्छा मतलब जो चैंपियन है। और वैसे रस्सी कूद होती थी, दौड़ होती थी, खो खो होता, लड़कियों का खो खो होता था। तो अब देखते हैं, काफ़ी सालों के बाद आ रहा हूँ मैं भी, अब देखते हैं कि वो सारी चीज़ें आज भी होंगी या नहीं। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वो सारी चीज़ें होती हैं बच्चों के ऊपर, और बच्चे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कई वीडियो में, शिक्षा और स्वास्थ्य का जो यहाँ पे लेवल है दिन पर दिन घटता जा रहा है, जिसकी वजह से अपने बच्चों को लोग बाहर पढ़ाने का ज़्यादा सोचते हैं। तो गाइस ये आगे हैं अपने भगवान ताऊ जी का घर। जोत 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 हम जोत ठीक छा अब नहीं है होई होई। और सब ठीक ठाक गणेश सिंह यार से नहीं। चलो क्या बनिए। तो गाइज ये है हमारे भवन ताऊ जी और उनकी माता जी। अभी थोड़ा सा स्वास्थ्य अब थोड़ा अब बुजुर्ग हो गए हैं। शेरू ये देखिए, ये ललिता का शेर है, और ललिता स्वयं आज कार्य को अंजाम दे रहे हैं। तो चलते हैं सीधा, भवन ताऊ जी भी वहीं जा रहे हैं। नमस्कार, और सब ठीक ठाक? चलो चलो ठीक। तो बहुत ही अच्छा लगता है निगराली के इस कौतिक में आके, और बहुत दूर दूर से लोग आते थे पहले, क्योंकि उस समय काफ़ी सारे लोग गांव में ही रहते थे। आज धीरे धीरे पलायन हो गया है, जिसकी वजह से अब गांव में लोग कम हो गए हैं गाइस। तो बाकी जितने लोग होंगे दिखाएंगे, और भी कई सारे गांव के आते हैं वो भी दिखाएंगे आपको, बने रहिए गाइस ब्लॉक में। और गाइस देख सकते हैं ये है सामने प्रधान जी का घर, और जो लोग आ गए हैं वहाँ पे धीरे धीरे, और अब यहाँ से ही प्रस्थान करेंगे आगे की ओर। तो मैं बिल्कुल सही समय पे आ गया हूँ, और ये अपने भाई लोग, ये हैं अपने भाई लोग। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि सभी लोगों से मिलना भी हो जाएगा। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ, ये देखिए। सभी लोगों को प्रणाम 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 दादा प्रणाम 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 प्रणाम। तो गाइस देख सकते हैं आप ये प्रणाम प्रणाम प्रणाम, ये देखिए गाइस, मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं फिर से। और जैसा कि मैंने आपको बताया, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सब आयोजक हैं। और ये देखिए, साहब साहब हमारे बीच हमारे छोटे भाई दीपक करकेदी जी भी पहुंचे हुए हैं। महेंद्र ये तो निगराली में निगराई कौतिक का आयोजन हो रहा है,
पिछले दो तीन वर्ष से ही मेला ऐसी रहा कोरोना के कारण, लेकिन अब हमारा फिर से हम पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इस साल थोड़े कम लोग हैं, अगले साल और बढ़ेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि सभी ग्रामवासी और क्षेत्रवासी की मंगल कामना के लिए निगराई पोतिक का आयोजन होता है और आगे भी होता है। आओ हमारे पहाड़, ये है हमारा लाल ध्वज, ये वीरता का प्रतीक है। लाल ध्वज ये वीरता का प्रतीक और ये शांति का प्रतीक ये। तो गाइस देख सकते हैं, आपको दोनों ही झंडों के बारे में बता दिया गया है, क्योंकि एक है वीरता का और एक है शांति का प्रतीक। लाल वाला वीरता का प्रतीक है क्योंकि हम रणबांकुरे भी हैं, हम युद्ध में भारतीय सेना में भी अपनी भूमिका अदा करते रहते हैं और हमारे गांव के कई लोग मिलिट्री में अपना योगदान देते रहते हैं, और अच्छे अच्छे पदों पर भी है। तो ये चीज हमारे डीएनए में है और हम शांतिप्रिय लोग भी हैं और वीर भी, उसका ये प्रतीक है। ये लाल ध्वज वीरता का प्रतीक, अगर युद्ध भूमि में जाने की तैयारी होगी तो हम वहाँ पे डोकलाम में, कारगिल में भी तैनात होने को तैयार हैं। और दूसरा है शांति का प्रतीक, हम सभी को अमन शांति चाहते हैं। ये वीडियो रखने के लिए करो ट्विटर लगाओ पे, पर अगर हमारे राष्ट्र के खिलाफ अगर कोई होगा तो फिर हम ये वाला इसका प्रयोग ज्यादा करते हैं। तो गाइज ये है हमारे ललिता, जिनको बहुत ही मतलब ज्ञान है हर एक चीज के बारे में। अभी उन्होंने कुछ ही देर में देखो कितनी सारी बातें बोल दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं जरा पिट्ठा लगा लूं पे आप और फिर बढ़ते हैं यहाँ से दादा के माध्यम से मिलेगी। तो दादा बताए, क्योंकि हमारे यहाँ जब चैत का महीना शुरू हो जाता है, ये फ्लैग लेके महीना महीना लगता है चैत का महीना। उस चैत के महीने में पहले एक गत्ते को हम फूल खेलते हैं, जिसको हम तुलसीदानी के रूप में जाना जाता है। उसके पूरे महीने में घोड़ा और झांझरी गाया जाता है रात में, और बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है, इसका समापन किया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो गाइस आज ये समापन दिन है चैत के महीने का, और देख सकते हैं शुरुआत हो चुकी है। इस तरीके से इस जुलूस को निकाला जाता है। ये देखिए सारे ही गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं बाहर से। नमस्कार। ये देखिए सब गणमान्य व्यक्ति हैं और अपने यंगस्टर भी हैं। गांव में इस जुलूस को इसी तरीके से निकाला जाएगा। ये देख सकते हैं आप, एक ध्वज आगे है और एक पीछे। बहुत खूब। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शाबाश, कैसे हो? ठीक हो? ये अपने बच्चे रानीखेत के, अरे शक्ल दिखाओ। ये देखिए ये रानीखेत वाले बच्चे हैं हमारे। कैसे हो कैसे हो? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से पूरे खेतों में आया जाता है, और खेत में चाहे कुछ भी अनाज हो कुछ भी हो उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होती। इनफैक्ट वो और ज्यादा अच्छा उपजाऊ हो जाता है, तो यहाँ पे इंटरव्यू और ज्यादा उपजाऊ हो जाता है। और आप देख सकते हैं काफी दूर दूर से लोग आ रखे हैं, और अभी समय हो गया है 3:30, और जैसे जैसे थोड़ा धूप ढलती जाएगी मैं बता दूं आपको भीड़ और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो गाँव हैं, ये देख सकते हैं मेरे आसपास के ये सारे गाँव, इन सभी गाँव से लोग आते हैं।
गाइस ये देखिए फुल्ली एंजॉय करते हुए गांव के सभी लोग नंगा निशान के साथ ये एंजॉय गाइस बहुत ही अलग लेवल का है, बहुत ही ऊपर लेवल का है। आप देख सकते हैं मजा आ रहा है और सच बताऊं तो मेरे पैर भी थिरक रहे हैं और मैं भी करूंगा। आप गाइस देखिए अब सभी लेडीज आ चुकी हैं और ये देखिए झोले स्टार्ट हो चुके हैं। और एक ट्रॉली उधर भी चल रही है, अभी वो भी धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे और फिर बड़ा हो जाएगा काफी। ये देखिए कल ये निंगराली गांव की औरतें हैं, कल इनको मैंने शूट किया था ऊपर इन्हीं के ऊपर मंदिर में। ये देखिए गाइस और भीड़ देख सकते हैं गाइस धीरे धीरे बढ़ती हुई। अब मैं चलता हूँ उन शख्स से इंटरव्यू लेने के लिए, जानकारी लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं अब आपको उन शख्स से मिलाता हूँ जिनको हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं और उनके द्वारा काफ़ी यहाँ पे खेल की प्रतियोगिता भी हुई है और इनफैक्ट मैंने भी उसमें कई बार ये। तो सबसे पहले आपको नमस्कार, मैं आपसे कुछ मेले के जो हमारे रीति रिवाज हैं और ये कहाँ से ये स्टार्ट हुआ और कब से ये चलता हुआ आ रहा है इसके बारे में आपसे कुछ जानकारियाँ अपने YouTube की फैमिली को साझा करना चाहूँगा। तो प्लीज़ आप मुझे बताएंगे ये कब से ये स्टार्ट हुआ है? ये वैसाखी उत्सव या कौतिक बसंत ऋतु का आगमन, एक महीने का जो बसंत उत्सव होता है जब हमारी फसल तैयार होती है तो उससे पहले हम बसंत ऋतु का आगमन होता है। बसंत ऋतु के आगमन में हम एक महीना अपने जो है गीत झांझरी झोड़े गाने जो है ये करके अपने रीति रिवाज हमारा जो पुराना हुआ है जो पुराना संस्कृति है ये जो कौतिक है ये बैसाखी उत्सव है। इसमें जो ये निगराली गांव का जो आज हम यहाँ पर मिलन हो रहा है तो हमने भी हम बच्चे थे तो हमको ये बताया गया कि यहाँ पहले जो है ये 20 गांव की तह है हमारी, तो ये 20 गांव की तह थे तो यहाँ 20 गांव 18 गांव 16 गांव के मेरे निगारे यहाँ पर आते थे। तो वो टाइम देखा, वो टाइम कितना बड़ा होगा जब यहाँ 20 गांव का 18 गांव का 16 गांव के निगारे यहाँ पर इकट्ठे सारे गांव वाले उपस्थित होते थे। जी जी जी। उसके बाद धीरे धीरे करते ये कमी होती रही लेकिन फिर भी आज हम बार गांव वाले इसमें इस तह में इस इलाके में बार गांव वालों की हमारी तह है, बार गांव तह है, इस तह में हम जो है हर साल एक महीने का जो बसंत के बाद आज हम जब हमारी फसल तैयार हो जाती है तो फसलों का हम अपना जो है गांव से गड़ी नगरी से अपने देवालयों से उनको पूजा पाठ करते हुए उनको वहाँ झोड़ा गाते हुए वहाँ गीत गाते हुए गाँव में हम रात्रि में एक जगह इकट्ठा होते हैं जो गाँव के हमारे मुखिया हैं या जो मुखिया थे उनके आगमन में हम पूरी रात भर झोड़े चासरी गीत भगनोले ये गाते थे।
हमारे जो बुजुर्ग थे तो हमने भी देखा कि इस मेले में हम भी, मेरे को भी आज मेरे साथ 60 साल होने वाला है और 4-5 साल से मेरे को भी ये याद है कि मैं इस मेले में शामिल हो रहा हूँ। लगभग मैंने शायद जीवन में कोई मेला नहीं छोड़ा होगा। जी जी जी। शायद लगभग मैंने कम से कम 55 साल में यहाँ शायद 5 बार नहीं आया होगा तो, लेकिन 50 बार में यहाँ पर शामिल हुआ हूँ। और हमने इसमें जो इसको आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ कोशिश करी है, लेकिन आज हमारी संस्कृति का पतन हो रहा है। जी। हमारी जो संस्कृति है हम लोग आज हम भटक गए हैं उससे। जी, ये बहुत जो है संस्कृति को छोड़ के दूसरी और वेस्टर्न कल्चर को जा रहे हैं। जी, ये बहुत खेद की बात है कि हम अपने इस कल्चर को छोड़ के, परंपरा जो आदि काल से ही इसको बहुत, आज भी आप अमेरिका देखो, अन्य देश देखो, अरे भारत को विश्व गुरु बोल रहे हैं। भारत जो है गांव का देश है और गांव की ये संस्कृति है, उधर मेले को जोड़े दिखाइए, हमारे गांव की संस्कृति है। और तो फिर से भारत विश्व गुरु बनने की ओर है। अभी MSME में भी भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और ये एक्सपोर्टर, ये हमारे ये खेत देखो, इसमें अभी हमने मिर्ची बोई है और इतनी पब्लिक है, लेकिन फिर भी फसल अपनी बंपर होगी। ये हमारे पुरखों का ये मानना है कि हमारे पैरों का मैल लगता है यहाँ पे आके, जितने लोग आएंगे मतलब पंच दर्शन होगा लोगों का तो धरती भी खुश हो जाती है। जी बिल्कुल। और इस ग्राम सभा निगरानी की मिट्टी पंत नगर तक टेस्टिंग के लिए गई है, क्योंकि यहाँ का उत्पादन इतना बंपर था किसी समय में, पर आज वर्ष में एक ही फसल हो रही है, मिर्ची बस। जी जी जी। तो हमारे हमने नई पीढ़ी ने इस कल्चर को पकड़ के चलना है, तभी हमारा उत्थान होगा। नहीं तो वेस्टर्न की तरफ गए, एक तरफ देखो आप उधर के भारत पश्चिमी सभ्यता के लोग भारतीय सनातन को मान रहे हैं, जी बिल्कुल, संस्कृत को मान रहे हैं। जी। ये देखो ये झूला गा रहे हैं, तो उसमें भी हर एक शब्द के सबके लिए मंगल कामना है। जी बिल्कुल। तो इन्हीं ये हमने अपने जो पुराने कल्चर को पकड़ के रखना है, आज का विज्ञान भी और पुराना पुरातन भी दोनों को एक साथ लेके चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी देने के लिए। सो गाइस देख सकते हैं अब मैं झोड़े के अंदर आ गया हूँ। अभी तक बाहर से ही शूट हो रहा था और एक अपनी बहुत क्यूट सी दीदी है, ये शंकर की दीदी। और गाइस ये देखिए अपना चिराग भी बीचों बीच में, साथ में टोमू। सो गाइस बहुत मजा आ रहा है, ये देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ भाड़ हो चुकी है। दूर दार से काफी सारे लोग पहुंचे हुए हैं। अब ये ट्रॉली जो है नगर निषाण की, ये अब वापस जहां से स्टार्ट हुई थी वहीं की ओर वापस जा रही है और महिलाएं अभी ऐसे ही कंटिन्यू करेंगी अपने इन झोड़ों को। ये देखिए का ये समारोह यहाँ पे अब समापन की ओर जा रहा है और सभी लोग जहाँ से स्टार्ट हुआ था ये समारोह वहीं पे ही आके समाप्त कर दिया गया है। और हम कामना करते हैं कि आगे भी हम सब लोग ऐसे ही मिलजुल के अपने इस कल्चर को और ज़्यादा बढ़ावा दें। आप देख सकते हैं हमारे मोहन सिंह मासाब जी का घर है ये। सो गाइज आज बहुत मज़ा आया हमारे इस कौतिक में। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है मेरे गांव का और गाइज बहुत अच्छा लगता है जब हम सभी लोग मिलके ऐसे किसी उत्सव को मनाते हैं।
एक अलग ही फीलिंग आती है। और हम कोशिश करेंगे आने वाले सालों में इसको और भव्य रूप में मनाएं और इसको और लोग भी इसमें जोड़ें। तो गाइस, आशा करता हूं कि आपको भी हमारा ये कल्चर पसंद आएगा। और अगर पसंद आता तो गाइस इस बार शेयर करें, लाइक नहीं, कमेंट नहीं, शेयर जरूर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे इस कल्चर को सभी लोग देखें। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक आप जितना मुझे प्यार और सपोर्ट कर रहे हो। और गाइस, हम चाहते हैं कि इस कल्चर को सभी तक पहुंचाना। तो गाइस, ये सब आप लोगों के हाथ में ही है। और कल मुझे फिर आना है सुबह निगराली में ही, यानी कि इसी गांव में, सुबह 6:30 बजे, क्योंकि इनके कुछ रीति रिवाज होते हैं तो उनको भी शूट करना है। तो गाइस, अब समय आ भी गया है आपसे इजाज़त लेने का, क्योंकि मुझे अभी तक टाइम हो गया 7 और टाइम भी लगेगा काफ़ी एडिटिंग करने में, उसके बाद अपलोडिंग पे। तो गाइस, अब अपने भाई को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।